फ्रेंड्स, दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। हमें फिगर दिया हुआ है 6.39। साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। तो हमें दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें हमें बोला है क्यू पी को, ये जो क्यू पी है इसको प्रोड्यूस किए हैं एस तक के बढ़ाए हैं, और इसी तरह क्यू आर को बढ़ाए हैं टी तक के। एंड एंगल एस पी आर हमें दिया हुआ है, एस पी आर ये 135 है और पी क्यू टी ये 110 है। तो हमें पी आर क्यू निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, पी आर क्यू। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में जो भी दिया हुआ है, एस पी आर दिया हुआ है 135 एंड एंगल पी क्यू टी ये दिया हुआ है 110। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये आप क्या कीजिए कि ये वाला एंगल, ये एक एक लाइन है, और लाइन में हम जानते हैं कि ये एंगल और प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलकर 180 बनाएगा, जिसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल एस पी आर, एस पी आर और प्लस ये वाला आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, दोनों का सम 180 होगा, और रीजन देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस पी आर तो हमें दिया हुआ है 135 है, तो यहाँ से निकल जाएगा आर पी क्यू, इसको माइनस करेंगे तो एंगल आर पी क्यू आ जाएगा 180 माइनस 135, यानी एंगल आर पी क्यू आ जाएगा 45 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो एंगल फाइंड कर लिए, अभी इसका काम नहीं है, हमें तो पी आर क्यू निकालना है ये एंगल। तो देखिए इसके हेल्प से ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे असल में हम लोग को लिखना है इस तरह से कि ये वाला बाहर वाला एंगल, मतलब पी क्यू टी, पी क्यू टी ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू जो हमें फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना है। तो पी क्यू टी तो हमें दिया हुआ है 110 है इज इक्वल टू क्यू पी आर, अभी हम लोग फाइंड किए क्यू पी आर बोली ये आर पी क्यू, ये तो 45 सेम ही चीज है, और हमें निकालना है पी आर क्यू। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 110 माइनस 45 ये इधर इक्वल में रह जाएगा एंगल पी आर क्यू, तो माइनस कर देंगे 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 65 आ जाएगा एंगल पी आर क्यू, और इसे ही हमें फाइंड करना था ये वाला एंगल पी आर क्यू। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हम लोग सिंपल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।